दोस्तों, तो आप लोगों ने यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला कलर चेंजिंग स्मार्टफोन वीवो V23 प्रो को तो देखा ही होगा, या फिर अभी तक आप लोगों ने इसे यूज़ भी किया होगा। बट दोस्तों, आपने ये सोचा है जो वीवो V23 फ़ोन है, आखिर वो अपने कलर को चेंज किस तरह से कर पाता है? जैसे आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह में देखा ही होगा कि उसे जैसे ही धूप के सामने ले जाया जाता है, चाहे उसे यूवी रेज के सामने लाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली से वो अपने कलर को चेंज कर पाते हैं। जैसे वो उस समय येलो रहता है, जैसे उसे यूवी रेज चाहे सन के सामने ले जाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली से वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। तो आखिर ये किस तरह से अपने कलर को चेंज कर पाती है? सो इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। ये जो कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे पहले भी हमें ओप्पो के तरफ से ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल गई थी। ओप्पो रेनो 4 या 5 स्मार्टफोन में ये देखने को मिली थी आज से एक साल पहले। दोस्तों, क्या आप जानते हो ओप्पो के तरफ से ओप्पो रेनो 4 या 5 जो स्मार्टफोन था, अगर उसका आप कलर चेंज करना चाहते तो उसके लिए आपको कोई यूवी रेज के सामने नहीं जाना है अपने फ़ोन को, लेकिन कोई धूप के सामने आपको नहीं जाना है। सिंपली से अपने फ़ोन के बैक साइड में आप 2 बार क्लिक करो, ऑटोमेटिकली से सडनली आपका फ़ोन कलर चेंज करने लगेगी। बट दोस्तों, वो जो स्मार्टफोन था बस वो चाइना ही तक रहा, इंडिया में नहीं आ पाया। तो उस कारण से दोस्तों, यहाँ पे वीवो का ये जो फ़ोन है V23 Pro, इसे हम इंडिया फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन कहते हैं। अगर दोस्तों आप उस ओप्पो रेनो 4 का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो आप ज्ञान थेरेपी के चैनल पे जा सकते हो, उन्होंने इंपोर्ट कराया था चाइना से ये फ़ोन का, तो आप उस स्मार्टफोन का यहाँ पे अनबॉक्सिंग आप उनके चैनल पे देख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस तरह से वीवो V23 Pro अपने कलर को चेंज कराती है। बेसिकली इस स्मार्टफोन के पीछे आपको एक AG फ्लोराइड ग्लास देखने को मिलती है। इसी ग्लास के कारण बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वीवो V23 Pro, वो अपने कलर को चेंज कर पाती है। ये जो AG फ्लोराइड ग्लास है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल से के बनते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स जो कि दोस्तों यहाँ पे यूवी रेड से रिएक्ट करते हैं। तो होता क्या, जब भी अपने फ़ोन को आप बाहर धूप में ले जाते हैं या यूवी रेज के सामने लाते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जो कि दोस्तों यूवी रेज से रिएक्ट करते हैं, तो जैसे इस पे धूप पड़ती है, जैसे इस पे यूवी रेज पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली से वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं एंड धीरे धीरे वो ऊपर आने लगते हैं। तो उसी टाइम में यहाँ पर दोस्तों इसका कलर भी चेंज होने लगता है। ये अप्रॉक्स से आपको 4 से 5 सेकेंड में आपका स्मार्टफोन टोटली से आपका कलर चेंज कर देती है। एंड ये जैसे ही आप इस फ़ोन को फिर बाद में यूवी रेज से हटाओगे, चाहे यहाँ पे आप डार्क लाइट में लाओगे, तो ये आपका 5 मिनट के अप्रॉक्स आसपास दोस्तों ये ऑटोमेटिकली से अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगी, जो सभी कलर में ये पहले थी। अब आपके मन में ये सवाल होगा, आखिर दोस्तों ये जो फ़ोन है आखिर कितना टाइम कितना बार यहाँ पे अपने कलर को चेंज कर सकता है? तो ये सब टोटली आपके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की मॉलिक्यूल्स आपके स्मार्टफोन में है एंड वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कितना अच्छे तरह से उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज़ किया आपके स्मार्टफोन के लिए। ये सब टोटली आपके स्मार्टफोन पर डिपेंड करते हैं। अगर अच्छी मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइजेशन मिली है तो आपका 10,000 बार भी कलर चेंज कर सकती है, 20,000 बार भी चेंज कर सकती है। ये सब टोटली दोस्तों मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। अब यहीं पर बात करें जो ओप्पो वाला फ़ोन था जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था, आखिर वो स्मार्टफोन किस तरह से बिना कोई यूवी रेज विदाउट कोई यहाँ पे सनलाइट का बस क्लिक से ही अपने कलर को चेंज कर लेता था। उस ओप्पो वाले फोन में दोस्तों यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लासेस देखने को मिलता था। है दोनों ग्लास सेम ही, जो आपको मैंने बताया AG क्लोराइड ग्लास और ये इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास है बिल्कुल सेम ही। होता क्या है, ये ओप्पो वाला फोन में ओप्पो वाले फोन में दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी से ही यूवी रेज को जनरेट किया जाता है एंड दोस्तों उस फोन में जो वीवो वाले फोन में यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्टली यूवी रेज के पास जाना पड़ता था। पर दोस्तों ये जो फोन था ओप्पो वाला, इसमें दोस्तों बस सिंपली से आपके फोन के बैटरी से ही यूवी रेज को जनरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपका वीवो V23 Pro है दोस्तों, इसके कलर चेंजिंग के लिए आपको कोई भी बैटरी नहीं देना है। सिंपली से बस आप इसे धूप के सामने ले जाइए, अपने कलर चेंज हो जाएगा। जब हम बात करें ओप्पो के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपके बैटरी से ही आपका यहाँ पे यूवी रेज को जनरेट करता है, उस कारण से यहाँ पे आपको बैटरी कंजप्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। बस सिंपली से यही फर्क है इस दोनों स्मार्टफोन में। सो दोस्तों, आप लोग तो यहाँ पे समझ ही चुके होगा कि ये जो स्मार्टफोन है कलर चेंजिंग आखिर ये काम किस तरह से करती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों आप लोग के एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो दोस्तों, तब तक के लिए जैन इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।